खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर। मैं हूं निशांत गुप्ता और मैं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज की खबरनामे की शुरुआत प्रमुख खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे पर जनता को दी शुभकामनाएं। कोयले की कमी से गहरा सकता है बिजली संकट। यूपी में 10 आईएएस और 14 आईपीएस अफसरों के तबादले। सपा से छीन सकता है नेता प्रतिपक्ष का पद। सीतापुर में 25,000 के 3 इनामिया बदमाश गिरफ्तार। सीतापुर पहुंचा सपा का प्रतिनिधिमंडल, हाईकमान को सौंपी जाएगी महंत प्रकरण की रिपोर्ट। डीएम ने किया काना उपवन व गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण। 16 अप्रैल को बंद रहेगा सीतापुर लखीमपुर राजमार्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर ईसा मसीह को याद किया। मोदी ने ट्वीट किया, आज गुड फ्राइडे के दिन हम ईसा मसीह के साहस और बलिदान को याद करते हैं। सेवा और भाईचारे के उनके आदर्श कई लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। समाजवादी पार्टी की सियासी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार 3 चुनाव हारने के बाद अब समाजवादी पार्टी से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद भी छिन सकता है। सपा के मौजूदा समय में 17 सदस्य हैं, जिसमें 6 जुलाई तक 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद सपा के पास सिर्फ 5 विधान परिषद सदस्य रह जाएंगे। आपको बता दें कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए कम से कम 10 सीटें जरूरी हैं। आलिया के बाद वायरल रानू मंडल का ब्राइडल लुक, कच्चा बादाम गाने पर डांस किया। सोशल मीडिया ने कई लोगों को रातों रात स्टार बना दिया। उन्हीं में से एक नाम रानू मंडल का भी है। लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गाकर रानू मंडल इंटरनेट सेंसेशन बन गई थी। अब एक बार फिर रानू मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर एक पल के लिए आप भी हैरान रह सकते हैं। नए वीडियो में रानू मंडल दुल्हन के लुक में नजर आ रही है। यूपी में 10 आईएएस सहित 14 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। मेरठ, रायबरेली, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, देवरिया आदि जनपदों के डीएम बदले गए, जबकि 14 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। कई जिलों के पुलिस कप्तानों का तबादला करते हुए नई तैनाती दी गई है। सिद्धार्थनगर के डीएम रहे दीपक मीणा को मेरठ का नया डीएम बनाया गया है।
पीलीभीत में पेट्रोल पंप सेल्समैन से लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पेट्रोल पंप सेल्समैन ने पुलिस को अपने साथ हुई लूट की घटना की झूठी सूचना दी, जिसको लेकर पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद व सेल्समैन से पूछताछ कर उसे हिदायत देकर छोड़ दिया। घटना थाना बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के रिछौला स्थित इंडिया पेट्रोल पंप की है। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल रणवीर कपूर और आलिया भट्ट 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध गए। घर वालों और कुछ करीबियों की मौजूदगी में रणवीर आलिया ने घर शादी की। शादी के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि शादी के बाद नीतू कपूर इशारों इशारों में बोल चुकी हैं कि जो होना था हो गया। भीषण गर्मी के बीच 3 राज्यों में बिजली का संकट गहरा सकता है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी समेत देश के 10 राज्यों में कोयले की किल्लत के चलते आने वाले समय में घोर बिजली संकट हो सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम न घटाने पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर वैट घटाने की अपील कर रही है। बता दें कि देश में ईंधन की ऊंची कीमतों को लेकर केंद्र को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बटगंज स्थित एवं नगरपालिका परिषद सीतापुर द्वारा संचालित कान्हा उपवन एवं निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने चारे की उपलब्धता, पेयजल की व्यवस्था, परखी एवं स्वच्छता के निर्देश दिए। उन्होंने पशुओं के बीमार होने पर उपचार का पर्याप्त प्रबंध एवं टीकाकरण सुनिश्चित किए जाने के प्रति निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका सीतापुर वैभव त्रिपाठी को निर्देशित किया कि मंडी सचिव से समन्वय स्थापित करते हुए पशुओं के उपयोगाधार सामग्री प्राप्त करें। सीतापुर के मोहल्ला आर नगर में एक कुत्ते ने जंगली कबूतर को नोच लिया, जिससे वह घायल हो गया। इसकी जानकारी सीतापुर गौ सेवा समिति के अध्यक्ष संकल्प सोनकर, उपाध्यक्ष आकाश सिंह छोटू, सहयोगी उद्देश्य सिंह को हुई। वह तत्काल मौके पर पहुंचे और कबूतर को पकड़कर उसका इलाज किया, उसे खाना खिलाया और अपने घर ले गए। उन्होंने बताया जैसे ही कबूतर स्वस्थ होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। आचार संहिता हटने के बाद अब संपूर्ण समाधान दिवस फिर से आयोजित होने लगेंगे। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से 16 अप्रैल को संपूर्ण समाधान दिवस तहसील स्तर पर आयोजित किया जाएगा। तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। ब्लॉक मछलेटा के ग्राम सेमरा स्थित पशुपतिनाथ बाबा मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में सुरेश पांडे, पवन पांडे, निखिल पांडे, प्रशांत पांडे, दयाशंकर पांडे, राजेश पांडे सहित श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सीतापुर लखीमपुर राजमार्ग 16 अप्रैल को बंद रहेगा। हरगांव क्षेत्र के गुलरीपुरवा हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में लखीमपुर, सीतापुर, हरगांव, मोहली सहित कई जगहों के लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। आवागमन में असुविधा ना हो इस लिहाज से रूट डायवर्जन किया गया है। एसओ हरगांव ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सीतापुर से लहरपुर व मितौली होकर लखीमपुर जा सकेंगे। खैराबाद के महंत बजरंग मुनि दास द्वारा मुस्लिम महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल सीतापुर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने मामले की अपने स्तर से तहकीकात की। प्रतिनिधि मंडल में लहरपुर के विधायक अनिल वर्मा, जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पूर्व MLC शशांक यादव आदि शामिल रहे। पूर्व MLC ने बताया कि रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी। इस मौके पर पार्टी कार्यालय में प्रभारी जयसिंह यादव, शेखर यादव, राजकिशोर गौतम, अंशु चुन्नू सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए चुनिए सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। गो एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट प्राइवेट स्कूल। विनर ऑफ एशिया अवार्ड फॉर बेस्ट फैकल्टी अमंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल। CCTV सिक्योर्ड कैंपस, GPS इनेबल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मेनी मोर। एडमिशन ओपन। मिश्री कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर हरदोई राजमार्ग पर जयपुर ग्राम के पास रोडवेज बस संख्या UP 34T 5849 एक डाला से टकरा गई। आमने सामने हुई टक्कर में डाला संख्या UP 30T 0023 का चालक ओम प्रकाश व डाले पर सवार जनपद हरदोई के कोथावा निवासी हर्ष गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल CHC मिश्रिक ले जाया गया। घटना के बाद रोडवेज के चालक सब्बीर व कंडक्टर यादवेंद्र सिंह मौके से फरार हो गए। कमलापुर के महोठे रानी मंदिर पर इस बार एक मातंग मेला लगेगा। इसका शुभारंभ शनिवार को कसमंडा राज परिवार द्वारा मां महोठे रानी का पूजन करके मिट्टी की मटकी चढ़ाकर किया जाएगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 वर्षों से मेला आयोजित नहीं हुआ है।
सेवता विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सीतारामपुरवा में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। समारोह में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा, अधिकारी कर्मचारी शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक गांव गरीब के दरवाजे तक पहुंचाएं। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा, राजकुमार सिंह मौर्य, सेनजीत प्रताप सिंह, नागेंद्र प्रताप सिंह, महानारायण वर्मा, देवेंद्र प्रताप सिंह, सत्यनारायण मौर्य, अवध राम मौर्य, रमाकांत यादव, रामगोपाल मौर्य, जनार्दन शुक्ला, सुधीर दीक्षित, जितेंद्र शुक्ला, समीम अहमद, रामचंद्र जनक लाल, सतीश मौर्य, गया प्रसाद, विजय गौड़, शिव कुमार मौर्य, बुद्ध सागर, मोहम्मद मुनीर, अश्वनी मौर्य, धर्मेंद्र सौरभ मौर्य, बाबा विशंबर दास, वेद रत्न, राजीव दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे। तहसील मिश्रिक क्षेत्र में चार जगहों पर अवैध कब्जे हटवाए गए। उप जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित टीम ने खाजा ढाबर, लौली व डहेलरा में चक मार्ग एवं ततरोई में खाद्य गड्ढा पर से अवैध कब्जा हटवाया। टीम में नायब तहसीलदार ओम प्रकाश मिश्र, राजस्व निरीक्षक गोपाल शुक्ला, आशीष यादव, संदीप यादव, राजेश कुमार, नितिन कुमार आदि शामिल रहे। थाना खैराबाद क्षेत्र में ग्राम नकरैया निवासी बुजुर्ग गरीब महिला कल्लो की मदद के लिए संयुक्त किसान मोर्चा सीतापुर आगे आया। मोर्चा पदाधिकारियों ने दबंगों द्वारा बुजुर्ग गरीब महिला की जमीन पर बोई गई फसल काटे जाने के मामले में खैराबाद थाने पहुंचकर न्याय दिलाए जाने एवं दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर पिंदर सिंह सिद्धू, शिव प्रकाश सिंह, अल्पना सिंह, गुरपाल सिंह, दिव्य सिंह, राहुल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम 8 निवासी अतुल कुमार गुप्ता ने कोतवाली में तहरीर देकर पड़ोसी पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उनकी मां का मकान मिश्रिक बड़ी नहर के किनारे बना हुआ है। मकान के पास छोड़ी गई भूमि पर भानु प्रताप सिंह गड्ढा बनाकर पानी भर देते हैं। उन्होंने बताया कि मामले में 28 मार्च को पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर पालिका परिषद सीतापुर के वार्ड लोनियन पूर्वा पश्चिमी के मोहल्ला कुपुर की समस्याओं को लेकर मोहल्लेवासी नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु से मिले। मंत्री को मांग पत्र सौंप कर समस्याओं के समाधान की मांग की। मंत्री ने जल्द ही समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर दीपेंद्र भदौरिया, शिवम यादव, अंशुल सिंह, सत्यम वर्मा मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जनपद सीतापुर के जिला अध्यक्ष ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अशफाक सैदी से लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान खैराबाद प्रकरण पर संत बजरंग मुनि के विरुद्ध लिए गए संज्ञान के प्रति आभार व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष इंजीनियर समीर अहसन रिजवी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी ली। मिशन शक्ति योजना के तहत एक गोष्ठी कोतवाली लहरपुर क्षेत्र ग्राम मकनपुर में प्रधान के आवास पर हुई। कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह के निर्देशन में महिला आरक्षियों ने हेल्पलाइन नंबर 112 1090 1076 1098 102 108 की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधान शुभम सिंह श्रीवास्तव सहित महिलाएं, बालिकाएं आदि लोग मौजूद रही। ब्लॉक मिश्रिक में किसान सेवा सहकारी समिति क्रय केंद्र पर अभी गेहूं खरीद शून्य है, जबकि खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। संचालक अशोक कुमार ने बताया कि सरकारी मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल है, फिर भी किसान गेहूं नहीं ला रहे। मंडी में और प्राइवेट दुकानों पर 1960 रुपये प्रति क्विंटल में बिक्री कर दे रहे हैं, उन्हें वहां नगद भुगतान मिल जा रहा है। कोतवाली मिश्रिक क्षेत्र के नगर के मोहल्ला चंदूपुरवा निवासी प्रथम मिश्रा ने प्रभारी निरीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में उन्होंने कहा कि उनकी मारुति कार का लॉक तोड़कर स्टेपनी में टायर, 2 साउंड, जैक, रिंच आदि सामान चोरी हो गया। उन्होंने अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक सीतापुर आरपी सिंह ने शुक्रवार को थाना संदना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना, कंप्यूटर कार्यालय, थाना भोजनालय, आरक्षी बैरक को देखा। थाना कार्यालय के अभिलेखों को चेक कर उनके बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। मालखाने को चेक कर उनमें दाखिल माल का निस्तारण करने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान सीओ सुशील कुमार यादव, कोतवाल राकेश कुमार सिंह सहित उप निरीक्षक व कांस्टेबल मौजूद रहे। कमियों के संबंध में जांच हेतु क्षेत्राधिकारी मिश्रिक को निर्देशित भी किया। गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही सीतापुर में डायरिया, वायरल बुखार, टाइफाइड आदि बीमारियां तेजी से पांव पसारने लगी हैं। इसकी चपेट में बच्चे व बुजुर्ग आ रहे हैं। सीतापुर जिला अस्पताल में रोजाना दर्जनों मरीज पहुंच रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज कराने के लिए मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर स्प्राइट पब्लिक स्कूल टिड़वा चिलौला,
लखीमपुर रोड सीतापुर।